हे स्टूडेंट, वेलकम ऑन सेकेंड। 25 वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का जो 7th नंबर का लास्ट क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए क्वेश्चन नंबर 6 तक, या जो मैं अगले एक्सरसाइजेस का वीडियो बनाऊंगा कुछ है ना 5.2 का, 5.3 का, आगे के जितने भी एक्सरसाइजेस सभी का, तो उन सब का लिंक भी, उन वीडियोज़ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा जा रहा है ना कि ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, यानी कि 5 ट्रायंगल्स आपको बना लेना है और उनके साइड का मेजरमेंट ले लेना है। अब मेजरमेंट लेने के बाद आपको क्या करना है कि चेक इन ईच केस, यानी कि जितने भी आपने ट्रायंगल बनाए हैं सभी में आपको ये चेक करना है कि इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, यानी कि जो सम निकलेगा दो साइड्स का, क्या वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा क्या, यानी कि कम होगा क्या। तो आइए इसको हम लोग, मैं देखो एक ट्रायंगल बना करके आपको समझा देता हूँ, बाकी के चार ट्रायंगल आपको खुद ब खुद बना करके समझ जाना है। एकदम सिंपल है, कुछ यहाँ पर कहीं नहीं जा रहा आपको। अगर एक ट्रायंगल में ही समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, अगर आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, तो फिर बाकी के जो ट्रायंगल्स हैं उनको खुद से ड्रॉ करके सीख सकते हो। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आता, यानी कि यहाँ पर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी छुपा हुआ है। प्रॉपर्टी क्या है, आइए मैं आपको वो भी समझा देता हूँ साथ में। तो देखो, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है। आप भी अपने मन से किसी भी शेप का ट्रायंगल बना सकते हो, है ना, छोटा बड़ा किसी भी टाइप का ट्रायंगल बना लेना। ट्रायंगल तो ट्रायंगल होता है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या बोला गया था कि इनका आपको साइड्स का जो है ना मेजरमेंट लेना है। तो चलो इसका कुछ मैंने नाम दे देता हूँ ताकि मेजरमेंट लेने में आसानी हो। तो सिंपल, सबसे ज़्यादा सिंपल सा नाम है ABCD, तो ABC हमने दे दिया नाम। अब हम लोग इसका मेजरमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ए से लेकर के देखो, ये जो बी है वहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप लिख दो। चलो इस साइड लिख लेता हूँ मैं, AB जो है हमारा वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर अब हमारा अगर हम BC ले लें तो ये हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा 4 पॉइंट कुछ आ रहा है। देखो ये हमारा 4 आया यहाँ पर, उसके बाद छोटी छोटी लाइन है ना मिलीमीटर्स वाली, ये होती है सेंटीमीटर, ये होती है मिलीमीटर। तो यहाँ पर हमारा ये कितना है, 1, 2, 3 और ये 4 है, यानी कि 4.4 है। यहाँ पर आप लिख लो BC इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। AC का भी मेजरमेंट ले लेते हैं इसी तरीके से। तो ये हमने 0 में रखा C में, और ऊपर देखो ये हमारा परफेक्ट 4 में आ रहा है। तो ये हमारा जो AC है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप लिख दो 4 सेंटीमीटर। अब क्या है, इनको हमको आपको चेक करना है कि जो सम निकलेगा टू साइड्स का, है ना, किसी भी टू साइड को आप ऐड करो और देखो कि क्या वो थर्ड वाले साइड से छोटा निकल रहा है क्या सम। तो मैं कोई भी टू साइड को ऐड कर देता हूँ, जैसे देखो AB हमारा 3 है और BC हमारा 4.4 है, तो इस साइड ही, चलो इसी के नीचे मैं ऐड करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर हम लोग AB प्लस कर दे किया BC, ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो AB हमारा कितना है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और BC 4.4 है। तो यहाँ पर आप 4.4 इस तरीके से लिखोगे, और डेसिमल अगर इसके बाद कुछ नहीं है ना तो 3.0 लिखोगे। ये डेसिमल वाले चैप्टर में मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में समझा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। अब इन दोनों को आप क्या करो, ऐड कर दो। तो इधर तुम्हारा 4 आ जाएगा और इधर 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। तो ये कितना आ गया, 7.4 सेंटीमीटर आ गया। तो 7.4, ये 4 से छोटा है क्या, थर्ड वाले से छोटा है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स है ना, इज नॉट लेस देन थर्ड साइड, लेस देन थर्ड साइड। यानी कि जब हमने टू साइड का सम किया तो जो हमारा सम निकल रहा है वो थर्ड वाले साइड से लेस नहीं है। हमसे क्वेश्चन में ही बोला गया था कि चेक करना है आपको कि क्या वो हमेशा थर्ड वाले साइड से छोटा होता है क्या, तो बिल्कुल नहीं। देखो अब यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल की मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है, खासियत क्या है कि जब कभी भी हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं ना, तो उनके किसी भी दो साइड को आप ले लो, कोई भी दो साइड ले लो, तो उनका जब आप सम करोगे तो वो हमेशा थर्ड वाले साइड से क्या होगा, बड़ा ही होगा, ग्रेटर होगा। यानी कि जो सम निकलता है ना एनी टू साइड्स का, वो ऑलवेज ग्रेटर होता है थर्ड वाले साइड से। तो आप कोई सा भी ले लो, जैसे 4 और 3 ले लो तो आपका 7 आ जाएगा जो कि 4.4 से बड़ा है। अब 4 और इस 4.4 को ऐड करोगे तो 8.4 आ जाएगा जो कि 3 से बड़ा है। उसी तरीके से हमने इन दोनों को 4 और 4.4 को ऐड किया तो वो इस 4 सेंटीमीटर से बड़ा निकल गया। तो कभी भी कैसा भी आप ट्रायंगल बना लो, उसमें क्या होगा कि दो साइड का जो सम होगा ना वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। और इसी को समय आपको समय 7 में थोड़ा सा घुमा करके उल्टा दे दिया गया ताकि आप कन्फ्यूज हो जाओ और इसको समझ सको। कन्फ्यूज होने के लिए नहीं दिया जाता कभी क्वेश्चन, ताकि आपको प्रॉपर्टी समझ में आ जाए इसलिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो सम होगा टू साइड्स का वो हमेशा क्या होगा, लेस, यानी कि लेस नहीं होगा थर्ड वाले साइड से, ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर ही होगा थर्ड वाले साइड से। तो इस तरीके से आपको छोटा सा स्टेटमेंट बना के लिख देना। तो एक मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बना लिया, चार ट्रायंगल आप इसी तरीके से अपने मन से किसी भी तरीके से बना लेना, कोई भी शेप का ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल तो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल के शेप का ही बनेगा, बाकी किसी भी लेंथ का ट्रायंगल बना लेना और इसको आप चेक कर सकते हो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसमें आप देखना कि जब कभी भी आप दो साइड को ऐड करोगे ना तो थर्ड वाले साइड से हमेशा ग्रेटर ही होगा। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो हमारा अगला एक्सरसाइज है ना उसका अगर इंट्रो की जरूरत पड़ेगा तो हम इंट्रो बनाएंगे, अगर इंट्रो की जरूरत नहीं पड़ेगा तो हम डायरेक्ट उसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।